इस कहानी की शुरुआत में हमें चींटियों के आइलैंड को दिखाया जाता है, जो कि सभी गर्मी के दिनों में अपने लिए खाना जमा कर रही थी, ताकि उन्हें बारिश में खाने की कमी ना हो। सभी चींटियां अपनी अलग कॉलोनी में रहती है और खाने को एक बड़े पत्ते के ऊपर जमा कर रही थी, जिसमें सभी लाइन से आकर खाना डालती है। मगर एक पेड़ का पत्ता कुछ चींटियों के सामने गिर जाता है, जिसकी वजह से चींटियों की लाइन टूट जाती है और उन्हें आगे वाली लाइन दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से सभी काफी परेशान होते हैं। तभी उनके पास मिस्टर सोहेल आते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लीफ के साइड से जाएंगे। और वो सभी को अपने पीछे आने को कहते हैं और सभी को एक बार फिर से टूटी हुई लाइन से मिला देते हैं। वहीं चींटियों की एक बूढ़ी रानी अपनी बड़ी बेटी को रानी बनने की ट्रेनिंग देती है, जिसका नाम प्रिंसेस अट्टा था। अट्टा लाइन को टूटा हुआ देख काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था और उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। थोर्नी, जो सभी चींटियों द्वारा कलेक्ट किए खाने का हिसाब रखता है, वो अट्टा से कहता है कि लाइन टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। रानी अट्टा से कहती है कि अब आगे हमें कुछ नहीं करना है। तभी डोर, जो रानी की छोटी बेटी है, वो उड़ने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं कर पाती। रानी डोर से कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तुम्हारे विंग्स बड़े होंगे तब तुम्हें उड़ना है। अट्टा डोर को समझाने की कोशिश करती है तो डोर कहती है कि तुम हमेशा परेशान रहती हो और तुम अभी क्यों नहीं बनी, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। वहीं फिलिंक ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी वजह से वो जल्दी से खाने को इकट्ठा कर सके और वो मशीन को अपने पीछे लगाकर पौधों को काटकर खाने को जल्दी से इकट्ठा कर रहा था। मगर एक पौधा अट्टा के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दब जाती है। सभी फिलिंक पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसके इन्वेंशन की वजह से हर बार सब परेशान होते हैं। फिलिंक अट्टा से कहता कि मैंने एक मशीन बनाई है, जिसकी वजह से हमें पूरी डाली काटकर सभी दाने को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और फिलिंग अट्टा के लिए लीव से एक टेलीस्कोप भी बनाता है, मगर किसी को भी फिलिंग का इन्वेंशन पसंद नहीं आता। थोर्नी फिलिंग से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ खाना कलेक्ट करना चाहते हो तो अपनी बेकार मशीन को फेंक कर सभी के साथ लाइन से खाना कलेक्ट करो। फिलिंग वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पास डोट आती है और उसे वो टेलीस्कोप वापस देकर कहती है कि मुझे तुम्हारे इन्वेंशन अच्छे लगते हैं। फिलिंग टेलीस्कोप डोट को देकर कहता है कि तुम पहली हो जिससे मेरे इन्वेंशन अच्छे लगे। डोट कहती है कि मैं एक रॉयल एंट हूँ और मैं उड़ नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। फिलिंग उसे एक पत्थर से समझाता है कि कोई भी छोटा नहीं होता, मगर डोट को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी खतरे का अलार्म बजता है, जिसकी वजह से सभी भागकर चींटी कॉलोनी में छिप जाते हैं। फिलिंग खाने को रखने जाता है जहाँ बाकी चींटियों ने रखा था, मगर उसकी मशीन की वजह से पत्थर के नीचे रखे पत्थर खिसक जाते हैं और सारा खाना पानी में गिर गया। फिलिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर सकता और भागकर अट्टा को इसके बारे में बताने जाता है। सभी एंट हिल के अंदर होते हैं और काफी डरे हुए थे, क्योंकि एंट और ग्रास ऑफर के बीच एक डील हुई थी जिसमें उन्हें साल में दो बार खाना कलेक्ट करके देंगे, जिसके बदले ना वो एंट को मारेंगे और न ही किसी और दूसरे बड़े कीड़े को एंट को मारने देंगे। फिलिंग अट्टा से कहता है कि मैं खाने के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मगर उसकी बात नहीं सुनती। चींटियों की कॉलोनी के अंदर ग्रास होपर्स घुस जाते हैं, जिनके साथ उनका लीडर होपर भी था। होपर की वजह से सभी चींटियां डरती है। होपर उनसे कहता है कि मेरा खाना कहाँ है, तो अट्टा उसे कहती है कि खाना ऊपर के पत्ते पर है। होपर बताता है कि अगर खाना ऊपर होता तो मैं तुम जैसे छोटे लोगों के पास कभी नहीं आता और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एक लीडर हो और तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए था। होपर का भाई मोल्ट, जो कि एक नेक दिल का है, वो बिना सोचे बोलने लगता है, जिसकी वजह से होपर उसे दीवार पर टांग कर कहता है कि मैंने माँ से वादा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर जब तक हम इस आइलैंड पर हैं तब तक तुम चुप रहोगे। होपर रानी से कहता है कि बारिश आने में अभी थोड़ा समय है, इसीलिए तुम सब हमारे लिए फिर से खाना कलेक्ट कर सकते हो। रानी कहती है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ये हमारे खाना कलेक्ट करने का समय है। होपर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी की भी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता और बाहर बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। और वो एक होपर को लाकर उन्हें डराने लगता है और रानी से कहता है कि तुम हम ग्रास होपर्स को रेस्पेक्ट देना भूल गए हो, इसीलिए तुम्हें अब हमें खाने को डबल क्वांटिटी में देना होगा। मैं सीजन के एंड में खाना लेने आऊंगा जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा। और सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिलिंग के ऊपर एक रॉयल मीटिंग बुलाई जाती है। फिलिंग कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि कोई आप पर उंगली उठाए, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। और
और रानी से कहता है कि हम किसी को जाबाजी होता ढूंढने भेज सकते हैं। सभी कहते हैं कि हम चींटियों के आइलैंड को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे बर्ड और कीड़े हैं जो हमें खा जाएंगे। फिलिंग कहता है कि हम बड़े कीड़ों को लेकर आएंगे जो कि ग्रास होपर से लड़कर हमें होपर से छुटकारा दिला देंगे और मैं जाबाजी योद्धा को लेकर आऊंगा। रानी सभी के साथ पर्सनल मीटिंग करती है और फिलिंग को शहर जाने की अनुमति दे देती है क्योंकि कोई भी फिलिंग को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए सब उसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। फिलिंग काफी खुश होता है और अपने सामान को पैक करके वहाँ से जाने लगता है। सभी एंड उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि सभी को लगता है कि वो जिंदा नहीं लौटेगा। फिलिंग के पास डॉट आकर उसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिलिंग एक नदी के किनारे पर खड़ा था जो कि काफी ऊपर था। फिलिंग एक पेड़ को तोड़ता है और उसकी मदद से ऊपर से नीचे कूद जाता है। वहीं फिलिंग बक्स के शहर में पहुंच जाता है जो कि एक इंसानी घर के नीचे था। फिलिंग शहर में आकर काफी खुश होता है और बड़े बक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं शहर में हमें एक पीटी फ्ली नाम के बक्स का सर्कस दिखाया जाता है जिसका शो देखने के लिए कोई नहीं आता, और शो से लोगों को जाते देख पीटी अपनी टीम के लोगों को बेहतरीन शो करने को कहता है। सभी काफी कोशिश करते हैं मगर किसी को भी उनका शो पसंद नहीं आता। फ्रांसिस नाम का बक्स अपना सर्कस दिखाता है तभी उसे दो बक्स लड़की समझकर छेड़ते हैं। फ्रांसिस उन्हें बहुत कुछ सुना देता है जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा होते हैं। जिप्सी और मैनी अपने जादू को दिखाने लगते हैं मगर ऑडियंस उसके शो को पसंद नहीं करते और उन्हें टमाटर फेंककर मारने लगते हैं जिसकी वजह से मैनी वहाँ से चला जाता है और ऑडियंस भी जाने लगती है। ये देखकर पीटी सभी से कहता है कि हम आपको आग का खेल दिखाएंगे जिसमें तोप के गोले के सामने दो जुड़वा कीड़े रोल और टक होंगे और आग के गोले को रोजी जो एक मकड़ी है वो अपने जाल को बुनकर रोकेगी और ये सब 15 सेकंड में होगा और सभी के आंखों पर पट्टी बंधी होगी और वो आग जला लेता है। मगर रोल और टक आपस में लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से वो पीटी के ऊपर गिरते हैं और पीटी उछलकर तोप के गोले के सामने चिपकने वाले पेपर पर गिरता है जिसके ऊपर फ्यूल छिड़क रखा था और वो पेपर से चिपक जाता है जिसकी वजह से वो जल जाता है। पीटी गुस्सा होकर सभी को जॉब से निकाल देता है। वहीं फिलिंग एक बार में जाता है और सभी बक्स योद्धा के बारे में पूछने लगता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं सभी सर्कस के बक्स भी उसी बार में बैठे थे जिन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था और सभी अपनी नौकरी के जाने से काफी दुखी थे। तभी वहाँ वो बक्स आते हैं जिनके साथ फ्रांसिस ने सर्कस में झगड़ा किया था। वो अपने साथ एक बड़े बक्स को लाते हैं और फ्रांसिस का मजाक बनाने लगते हैं। फ्रांसिस गुस्सा होकर उनसे लड़ने लगता है। वो सभी एक ड्रम के अंदर थे, वो घूमने लगता है जिसकी वजह से सभी कीड़े बेहोश हो गए। फिलिंग को लगता है कि सर्कस के कीड़ों ने सभी को हरा दिया है और वो एक योद्धा है इसीलिए वो उनसे अपनी एंट कॉलोनी को बचाने को कहता है। सर्कस के सभी बक्स को लगता है कि हमसे शो कराना चाहता है और फिलिंग की बात सुने बिना उसके साथ एंट आइलैंड चले जाते हैं। फिलिंग इस बात से काफी खुश होता है, उसे लगता है कि अब वो ग्रास होपर्स को हरा कर भगा देगा। वहीं एंट कॉलोनी में सभी खाना इकट्ठा कर रहे थे मगर तेज गर्मी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। डॉट फिलिंग का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे फिलिंग पर पूरा विश्वास था। फिलिंग सभी के साथ एंट आइलैंड पहुंचता है। बड़े कीड़ों को देखकर सभी चींटियां छिप जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बक्स ने हमला कर दिया है। डॉट फिलिंग के पास दौड़कर जाती है तभी सब देखते हैं कि वो फिलिंग है और सब उसके पास आते हैं। चींटियों के बच्चे सभी कीड़ों के साथ खेलने लगते हैं। रानी फिलिंग के पास आकर कहती है कि तुमने जो कहा था तुमने कर दिखाया। फिलिंग सभी कीड़ों को अट्टा से मिलवाता है और कहता है कि इन्होंने ही मुझे आप सभी को लेने भेजा था। सभी चींटियां मिलकर सर्कस के कीड़ों का स्वागत करते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि ये योद्धा है जो हमें ग्रास ओवर से बचाएंगे। डॉट और उसके साथियों ने सभी कीड़ों के लिए पेंटिंग बनाई थी जिसमें कीड़े ग्रास ओवर्स को मार रहे हैं, पर मिस्टर सोहिल बच्चों के साथ मिलकर ग्रास ओवर्स के बारे में नाटक करके दिखाते हैं। डॉट का नाटक देखकर सभी तालियां बजाते हैं मगर सर्कस के कीड़े समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ ग्रास ओवर से लड़ना होगा। वहीं फिलिंग स्पीच देने लगता है तभी रोसी फिलिंग के पास आकर कहती है कि हम कोई जाबाज योद्धा नहीं है, हम सर्कस के कीड़े हैं, और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिलिंग अट्टा से कहता है कि सभी कीड़ों ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई है इसीलिए मुझे जाना होगा ताकि हम सब मिलकर ग्रास ओवर्स का सामना कर सके, और वहाँ से चला जाता है। फिलिंग सभी से कहता है कि तुम सब एक सर्कस के कीड़े हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। फिलिंग उनके पास जाता है और कहता है कि अगर सबको पता चल गया कि तुम लोग एक सर्कस के कीड़े हो तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तभी वहाँ अट्टा आती है और फिलिंग
फीलिंग से कहती है कि मैं भी इस मीटिंग में आना चाहती हूँ। फीलिंग कहता है कि वो एक पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। तभी फीलिंग देखता है कि सभी कीड़े वहाँ से भाग गए। फीलिंग उनका पीछा करके सिलिम के ऊपर लटक कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सभी एक बर्ड के नेस्ट के पास आकर रुकते हैं। बर्ड उन्हें मारने की कोशिश करता है। वहीं डॉट ने सभी को जाते देख लिया था, इसीलिए फीलिंग के पास आती है, मगर बर्ड उसे गिरा देता है। फ्रांसिस डॉट को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है, मगर बर्ड उन्हें मारने की कोशिश करती है। ये सब अट्टा दूरबीन से देख रही होती है। फीलिंग डॉट को बचाने जाता है। हाइमलेक और सिलिम मिलकर बर्ड का ध्यान भटकाते हैं। फीलिंग बाकी कीड़ों के ऊपर लटक कर कांटों में छिप जाता है। बर्ड कांटों में जाने की कोशिश करता है, मगर कांटे चुभने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता और वहाँ से चला जाता है और सभी की जान बच जाती है। सभी सर्कस के कीड़ों को बर्ड से लड़ता देख रानी और बाकी सभी उन्हें जावा समझते हैं और तालियां बजाते हैं। वहीं डॉट को बचाते समय फ्रांसिस के पैरों पर चोट आई थी, इसीलिए उसे आराम करने के लिए रॉयल रूम दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अट्टा फीलिंग को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि कोई भी मुझे रानी बनने के लायक नहीं समझता है, मगर तुम भी मुझे माफ कर दो और जाबाज कीड़ों के लिए तुम क्वीन के प्रतिनिधि बन जाओ, क्योंकि तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। फीलिंग इस बात से खुश होता है और अट्टा को किस करके वहाँ से चला जाता है। अट्टा भी इससे खुश होती है, क्योंकि फीलिंग के सिवाय कोई उसे नहीं समझता था, इसीलिए अब उसे पसंद करने लगी थी। वहीं फीलिंग कीड़ों के पास जाता है और उनसे कहता है कि ग्रास ओवर्स को हराने के लिए हम सब मिलकर एक नकली बर्ड बनाएंगे, जिसे हम अंदर बैठकर चला सके और उसे एंट हिल के ऊपर पेड़ में छिपा देंगे। जब ग्रास ओवर हम पर हमला करेंगे तब बर्ड को नीचे लटका देंगे, क्योंकि ग्रास ओवर्स बर्ड से डरते हैं। उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। सभी कीड़े उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तभी वहाँ डॉट और उसके कुछ साथी सर्कस के बक्स से ऑटोग्राफ लेने आते हैं और कहते हैं कि बड़े होकर हम सब आपकी तरह बनेंगे। ये सब देखकर सर्कस के कीड़े काफी खुश होते हैं और फीलिंग की बात मान लेते हैं। फीलिंग कहता है कि जावा योद्धाओं और मैंने मिलकर नकली बर्ड बनाने का प्लान बनाया है। रानी को भी उसका प्लान पसंद आता है और वो कहती है कि अलग काम करने का हमारा कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर नकली बर्ड बना सकते हैं। अगले दिन सुबह सभी नकली बर्ड बनाने का काम चालू करते हैं। सभी बर्ड को लकड़ी, ओकनट और लीफ की मदद से बनाकर उसे एक पेड़ के ऊपर खींचकर छुपा दिया था और इस बात से सभी काफी खुश होते हैं कि अब उन्हें खाना इकट्ठा करके ग्रास ओपर्स को नहीं देना पड़ेगा। वहीं ग्रास ओपर्स अपने घर में गर्मी को एंजॉय करते हैं। दो ग्रास ओपर्स मोर से कहते हैं कि बारिश का समय है, अगर हम चींटियों के पास खाना लेने गए तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मोल्ट इस बारे में होपर से बात करने जाता है। होपर अपने कमरे में मालिश करवा रहा था। वो मोल्ट को अंदर आने के लिए मना करता है, मगर मोल्ट अंदर चला जाता है और होपर से कहता है कि हमें एंट के पास खाना लेने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दाना खाना पसंद नहीं है। होपर सभी के पास जाकर मोल्ट और उसके साथियों के ऊपर एक दाना फेंक कर उन्हें कहता है कि तुम्हें नहीं लगा, और जब वो कहते हैं कि हमें इसकी नहीं लगी तो होपर उनके ऊपर बहुत सारे दाने गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी दब जाते हैं। होपर सभी से कहता है कि आज मुझे एक चींटी ने चैलेंज किया, पर वो छोटी थी, मगर वहाँ 100 एंट्स हैं और वो जिस दिन एक हो गई वो हमें खाना नहीं देगी, लेकिन ये खाने की बात नहीं है, हमें सभी चींटियों को लाइन में रखना होगा, इसीलिए हम वापस जाएंगे। उसके बाद सभी एंट आइलैंड पर जाने लगते हैं। वहीं सभी एंट जश्न मनाते हैं। फीलिंग सभी सर्कस के बक्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब पीछे के रास्ते जा सकते हो। सभी बहाना बनाते हुए कहते हैं कि हम सब कुछ समय तक यहीं रुकना चाहते हैं। अट्टा फीलिंग के पास आकर कहती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और ये सब जावा योद्धा की वजह से हैं, और वो फीलिंग को भी थैंक्स बोलती है। वहीं थोरिन खतरे का हॉर्न बजाता है। सभी को लगता है कि ग्रास ओपर्स आ गए और सभी अपनी अपनी जगह लेने लगते हैं, मगर वो पीटी होता है जो सर्कस के कीड़ों को ढूंढने आया था। वो सभी को उनकी फोटो दिखाकर बताता है कि क्या किसी ने इन्हें देखा है। फीलिंग कहता है कि वो यहाँ नहीं है और पोस्टर को छुपाने लगता है, मगर तभी पीटी सर्कस के बक्स को देख लेता है और कहता है कि मुझे जलाने का शो सुपर हिट हो गया है और हम अपना सर्कस फिर से चालू करेंगे। ये सुनकर सभी को पता चल जाता है कि वो कोई जावा योद्धा नहीं, सर्कस के कीड़े हैं। सभी फीलिंग की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं कि पेड़ का आखिरी पत्ता गिरने वाला है और हमने होपर के लिए थोड़ा भी खाना इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि हम सर्कस के कीड़ों पर भरोसा कर रहे थे। अगर होपर को पता चल गया तो हमें मार देगा। रानी कहती है कि होपर को कभी पता नहीं चलेगा। सभी सर्कस के कीड़े यहाँ से चले जाओ। फीलिंग कहता है कि बर्ड का आइडिया काम करेगा।
अटा कहती है कि फिलिंग तुमने सभी से झूठ कहा और मैं गंवारों की तरह तुम पर विश्वास कर रही थी। वह फिलिंग को जाने के लिए कहती है और इस बार वापस आने से मना करती है। फिलिंग कहता है कि मैं बस अपनी कॉलोनी को बचाने की कोशिश कर रहा था और सर्कस के कीड़ों की गाड़ी में बैठकर उनके साथ चला जाता है। वहीं सभी एंट जल्दी से खाना इकट्ठा करने लगते हैं, मगर तब तक वहाँ ग्रास ऑपर्स पहुँच जाते हैं। ऑपर सभी से कहता है कि मैंने तुम्हें खाना इकट्ठा करने के लिए दूसरा मौका दिया था, मगर तुमने उसे भी गवा दिया। ऑपर रानी को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। डॉट और उसके साथी एक पौधे में छिप जाते हैं और वो ग्रास ऑपर्स की बात सुनते हैं। डॉट को पता चलता है कि ऑपर खाना खाने के बाद रानी को मारने वाला है और एक खबर देने के लिए वो भागकर फिलिंग के पास जाती है, मगर उसके पीछे ग्रास ऑपर्स पड़ जाता है जिससे बचकर वो भागने लगती है। मगर आगे रास्ता न होने की वजह से वो वहाँ से कूद जाती है, मगर उसे उड़ना नहीं आता था। ग्रास ऑपर्स उसे देख कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डॉट बच जाती है क्योंकि वो अब उड़ना सीख गई थी। वही फिलिंग काफी उदास होता है क्योंकि उसकी कई कोशिशों के बाद भी वो अपने साथियों को खुश नहीं कर पाया। तभी उसके पास डॉट आती है और वो फिलिंग को बताती है कि जब ग्रास ऑपर्स ने हम पर हमला कर दिया और वो मेरी माँ को मारने वाले हैं। सभी कहते हैं कि बट का आइडिया काम करेगा। फिलिंग को लगता है कि बट का आइडिया काम नहीं करेगा और सभी उसे समझाते हैं और उसके साथ एंट आइलैंड पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलिंग नहीं मानता, इसीलिए डॉट उसे एक पत्थर लाकर देती है, जिससे फिलिंग को याद आता है कि उसने डॉट को समझाया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए मान जाता है। सर्कस के कीड़ों को पता था कि पीटी उनके साथ चलने के लिए नहीं मानेगा, इसीलिए उसे बांध देते हैं और उसकी गाड़ी लेकर एंट आइलैंड पहुंच जाते हैं और एक प्लेन बनाते हैं। वहीं ऑपर के पास सर्कस के सभी कीड़े आते हैं। ऑपर उनसे पूछता है कि तुम क्यों आए हो। सलीम कहता है कि हमें अट्टा ने आप सभी के फन के लिए यहाँ बुलाया था। सभी अपने सर्कस का शो दिखाने लगते हैं। जिप्सी और मैनी अपना जादू का खेल दिखाते हैं और वो इस काम के लिए रानी को चुनते हैं ताकि उसे ऑपर से बचा सके और वो रानी को बॉस के अंदर डालकर पीछे के रास्ते से उसे बचा लेते हैं। जिप्सी बॉस के अंदर से निकलती है और फिलिंग को सिग्नल देती है। फिलिंग एंड के बच्चों के साथ बट के अंदर होता है और जिप्सी से सिग्नल मिलते ही बट को उड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो पेड़ में अटक जाता है। एंड के बच्चे उसे पेड़ से निकाल देते हैं और सभी अंदर बैठे हुए बट को उड़ाते हैं। बट को देखकर एंड भी डरने का नाटक करते हुए भागती है, जिसे देखकर ग्रास ऑपर्स भी डरने लगते हैं। पीटी गाड़ी के अंदर से निकल जाता है और बट को आग लगा देता है, जिसकी वजह से बट के अंदर एंड के बच्चे डरने लगते हैं और बट नीचे गिर जाता है। ऑपर को भी पता चल जाता है कि बट नकली था और वो सबसे पूछता है कि किसका आइडिया था। फिलिंग कहता है कि मेरा आइडिया था। सभी ग्रास ऑपर्स मिलकर फिलिंग को बहुत मारते हैं। फिलिंग कहता है कि तुम क्यों इनको मारने वाले थे, तो ऑपर भी फिलिंग को मारता है और सभी एंड से कहता है कि तुम एक बिना दिमाग वाले कीड़े हो जो सिर्फ हमें खाना देने के लिए जीते हो। फिलिंग उठता है और कहता है कि हम लोग ग्रास ऑपर्स के लिए नहीं जीते और हर एक साल हमने तुम्हारे लिए खाना इकट्ठा किया। इसका मतलब है कि हम लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और तुम ये पहले से जानते थे। ऑपर ये बात सुनकर फिलिंग को मारने लगता है। फिलिंग की बात सुनकर सभी एंड को समझ आ गया था कि अगर वो एक हो जाए तो ग्रास ऑपर्स को हरा देंगे और सभी ऑपर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अट्टा ऑपर से कहती है कि एंटी खाना इकट्ठा करते हैं और वही उसे संभालते हैं। ग्रास ऑपर्स भागते हैं और सभी उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सभी ग्रास ऑपर्स भागने लगते हैं। फिलिंग और सभी मिलकर ऑपर को पकड़ लेते हैं और उसे तोप में डालकर दूर फेंकने वाले थे, मगर तभी बारिश आ जाती है जिसकी वजह से सभी चींटियां वहां से भागने लगती है। ऑपर उड़कर फिलिंग को अपने साथ ले जाता है। फ्रेंसिस और सलीम फिलिंग को बचाने उसके पीछे जाते हैं। अट्टा आकर फिलिंग को ऑपर से बचा लेती है। ऑपर भी अट्टा के पीछे जाता है। फिलिंग अट्टा को एक पत्थर के पीछे छिपा देता है, मगर ऑपर वहां आ जाता है और वो फिलिंग का गला दबाकर उसे कहता है कि मैं अगले साल फिर से ग्रास ऑपर्स को लेकर आऊंगा, तब तुम क्या करोगे, तुम्हारे स्टंट तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं सकते। फिलिंग ऑपर को अपने पीछे भगाता हुआ असली बट के पास ले जाता है, मगर ऑपर उसे नकली समझता है और वहाँ से नहीं भागता। तभी बट उसे पकड़कर अपने बच्चों के पास ले जाती है और उन्हें खिला देती है। वहीं अगले दिन सभी फिलिंग की मशीन से खाना कलेक्ट करने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। एंड के बच्चे सर्कस के कीड़ों को भेजना नहीं चाहते थे, इसीलिए रोने लगते हैं। सर्कस के कीड़े अपने साथ ऑपर के भाई मोड को भी ले जाते हैं क्योंकि एक अच्छे दिल का ग्रास ऑपर्स था और वो कभी भी एंड्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पीटी फिलिंग को अपने साथ चलने को कहता है, मगर उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी जगह एंट आइलैंड में है। अट्टा सभी सर्कस के कीड़ों को थैंक्स बोलती है क्योंकि
उनकी वजह से सभी की जान बच पाई। मैनियाटा को एक पत्थर गिफ्ट देता है क्योंकि उसने फिलिंग और डॉट को एक दूसरे को पत्थर देते देखा था, इसीलिए उसे लगता है कि चींटियों में पत्थर देने की परंपरा है। सभी फिलिंग के लिए तालियां बजाते हैं। रानी भी अट्टा को क्वीन का ताज पहनाकर उसे रानी बना देती है। सर्कस के बक्स वहाँ से चले जाते हैं। हाई मेलक के भी पंख आ जाते हैं। फ्रांसिस आकर हाई मेलक को अपने साथ ले जाता है। अट्टा, रानी और फिलिंग सभी को भाई कहते हैं। सभी फिलिंग की मशीन से जावाजों को सलामी देते हुए पटाखे जलाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप इन स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।